आज शेर में हड्डिया अगर एक मानव में कहा जाए तो यह रूप के साधना शिविर है जिसको केवल गुफा में या जंगल में ही किया जाता है। हम अगर महाकाली के बारे में कहें तो कोई स्त्री अपने रक्षस्थल के बारे में बात करने से आगे पीछे होती है, लेकिन यह इतनी रूप साधना है कि जितने भी काली भक्त हुए जितने भी श्रेष्ठता के साथ किए उन्होंने यह गुप्त साधना संपन्न की। यह गुप्त साधना संपन्न करने वालों में रामकृष्ण परमहंस, महाकवि कालिदास और दादू भीम सिंह जी भी कभी कह रहे थे और साधना को मानव बहुत श्रेष्ठ कह रहे थे। वैसे अपने लोना चमारी का नाम सुना हुआ जो अगर अस्सा में जाओ तो कितने बड़े बड़े साहित्य उनका नाम बहुत ही गौरव से लेकर सम्मान के साथ देते हैं। वैसे ही मौलवी जो बाबा खाटू श्याम की मां कहलाती है, इन सभी ने इस वक्षस्थलकारी साधना का शिविर का साधना संपन्न की है। ये साधना इसी रूप साधना है गली के किनारे गुफा में जंगल में या स्मशान की साधना को संपन्न किया जाता है। और इस साधना की विशेषता यह है कि साधना जिसने संपन्न की उसको माँ ऐसा कहकर पुकारते ही माँ काली उसके सामने खड़े होकर अपने सब पुत्र को उसको अपना प्यार देती है, उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। मैंने ये साधना बहुत दिनों से जहाँ माँ काली का निवास इस उपलक्ष्य में ले गया था और आज मैं जो देख रहा हूँ इस साधना को करने के लिए भाग्य चाहिए। भाग्यवान लोग इस साधना को संपन्न कर सकते हैं जिनको काली महाकाली की कृपा प्राप्त हो। आपने बहुत सारी काली माता के नाम सुने होंगे, स्वर्ण काली, नैन काली, महाकाली, कामकला काली, दिव्य काली। इस तरह महाकाली पूजी के धर्मानुसार नव कालियों में और ये वक्षस्थल काली केवल आसाम के महाख्या में ही कुछ गिने साधक इस साधना को संपन्न करते हैं। यह क्षेत्र यह स्थान महाकाली का होने के कारण और मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आया। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल हो गए शायद मैं यहाँ आकर चंद्रपुर में 5 साल के बाद आया। इसका कारण यह रहा है अगर सच बात कहूँ मुझे क्षेत्र केंद्र हैदराबाद की स्थापना के बाद अगर पूरे महाराष्ट्र या भारत में अगर कहीं विखिल चेतना केंद्र की दूसरी शाखा की स्थापना हुई तो पहली बार चंद्रपुर में हुई और आज सबसे पीछे पड़ी हुई। उसके बाद बाशी हुआ, उस्मानाबाद हुआ, उड़ीसा हुआ, साकरी हुआ, पाटे हुआ, उन्होंने नंदी मांग में साधनाएं करते रहे और ऐसे हमारे पास कम से कम आज विखिल चेतना केंद्र की 21 शाखाएं राजनीति राजनीति का अर्थ है मैं राजा हूं, मैंने किया है, मैं आगे बढ़ू, इस प्रकार की मनोवृत्ति को राजनीति कहा जाता है। और राजनीति है केवल क्या हो रहा है देखते रहता है, गलती हुई उसको निकाल के बताना, गलती हुई उसको क्या करना है बता के बाद में क्या उसे करना। और राजनीति है करने से कुछ पहले ही अपना प्रचार गाना पकड़ना, गाना बजा बजाना वो मैंने हो गया मैंने ये किया इतने के कह रहा हूँ। अब ये तीनों नीतियाँ चंद्रपुर में हैं जिसके लिए हम आश्रम आगे बढ़ाने और जो जहाँ है वहाँ है। और मैं अगर कहूँ आपको और एक विशेष बात बता दूँ, प्रभु ने सद्गुरुदेव जी का महाप्रयाण होने के बाद
अगर पहले से पहला शिविर कोई महाराष्ट्र में हुआ है तो आज हमारे जेल के सभी जेल में आए हैं, राजीव में भवानी मंदिर में हुआ था, वो अगर यहाँ है तो मैं कहता हूँ कि पहला शिविर राजीव में हुआ था गुरु के महाप्रयाण के बाद में, बाद में शिविरों की परंपरा चली, उन्हें शिविर किए। तो जो पहले नींव डालने वाले हैं वो आज गुप्त हो गए, कहीं के नहीं, कोई छूटा कोई आया गया। मैं लेके आपको ये बात कहता हूँ कि मैंने 24 साल 2000 में मैंने विजय नगर हैदराबाद की स्थापना किया, और 24 साल हो गए। 24 साल में मैंने नदी को उफनते हुए लिखा है, नदी को सूखते हुए भी लिखा है, लेकिन मेरा प्रवाह जारी है। और मैं इतनी बात कहता हूँ, मैं समुद्र बनना नहीं चाहता, मेरे को समुद्र ऐसा उपलब्ध होना चाहिए जिसको खारा पानी कुछ काम को नहीं आता, और मेरा यह प्रवाह जो है कभी सूखना कोई ना, नदी है और इसमें मीठापन है जो पीते हैं और विस्तार करते हैं। मेरा प्रवाह नदी का प्रभाव है, स्थिर रहने का प्रभाव नहीं है, और मैं समुद्र का खाना खारा पानी करने नहीं चाहता। मैं केवल साधकों को चुनता हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ जीतने में आए ये साधना करने वाले हैं, संत पर दीक्षा जी पर भाग करने वाले नहीं है, या गुरु का नाम बोलकर चित्र लगाने को भूलने वाले नहीं है, ये केवल साधक के द्वारा मेरे सामने बैठे हैं और मैं इनकी तैयारी कर और इनकी तैयारी में मैंने जो कार्य किया है प्रभु जी सतगुरुदेव भी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए सीधे साधु जानते हैं जो मैंने इसमें क्या का प्रयत्न किया है, जो आज मैं साधकों को प्यार कर सकता हूँ। मुझे 5 पांडवों की सेना बस है, तो उनके 100 लोग चले जाएगा साधना करने वाले। हमें जीत हासिल करनी है इस प्रतियुद्ध में, हमें साधनाओं के बारे में बताना है, गुरु जी का जो लक्ष्य था उसे पूर्ण करना है। मैंने आपको अपने जैसा कहा नदियां नदी प्रवाह तो सभी से कट रहा था, शहर प्रवाह अभी कश्मीर तक भी गया है, उड़ीसा गुजरात उत्तर प्रदेश से भी लोग आने लगे, धीमा धीमा बढ़ता तो चला गया, लेकिन ये बढ़ते हुए दिन में कभी नदी सांगली हो गई, कभी तूफान के साथ बाढ़ आ गई, कभी सूख गई, कभी आगे गई और आगे चलते चलते अब इसका कब्रिस्तान है वो सुखा था। और ये विजेता ने कहा हर एक तरह से सिद्धांत समझने के लिए केवल और केवल साधना चाहिए, केवल और केवल दसवां विद्या सुननी चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि बहुत बार मैंने ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, मैं साधकों को गुरु जी के उस नियम और गुरु जी के उस साधना से किसी तरह की स्थापना का उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ। मेरे को फिर चाहिए या मेरे को कोई तो मेरे पास लोग जाना आना चाहिए, मेरे पास साधक आना चाहिए। साधकों को पहले ये सिखाया जाता है कि तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ता है। साधक जब गया वो एक साधक बस है, हजार लोगों के बराबर है एक साधक, अगर अच्छा साधक है जिसने साधना में सिद्धि प्राप्त की है तो एक साधक हजार लोगों के बराबर। मैं इसको आपको बहुत बार मैंने इस बारे में बताया भी है, मेरा हर क्षण ये बात मेरे दिल में रहते रहती है कि गुरु जी ने साधना की, आज भी आज आपको गुरुओं की कोई कमी नहीं, बस कमी है शिष्यों में। आपको नागपुर में चंद्रपुर में 3-4 गुरु तो यूँ ही मिल जाएंगे, नागपुर में 10 गुरु मिलेगी, आपको मुंबई में और 15 गुरु मिलेगी, गुरु की कमी नहीं और उनकी पुस्तकों को लिखने की भी कोई कमी नहीं। लेकिन मैंने बार बार आपको यही कहना रहता है, जिसने पुस्तक लिखा है जिसने पुस्तक से प्रकार की ये साधनाएं हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि वो लोग मंच पर आए और कहें कि मैंने पुस्तक में साधना लिख कर दी है, ये साधना मैं आपके सामने बोलवा कर बताता हूँ और आपको उस साधना की सिद्धि बताता हूँ या उस साधना को कैसे करना बताता हूँ, कोई एक गुरु नाम आ जाए और मंच पर गए, आपने केवल पुस्तकों को देखा है केवल प्रवचन सुने हैं। मैं इस बात से बहुत मेरे दिल में कष्ट पहुंचता है कि मेरे गुरु को कोई उंगली उठा सकते हैं, अरे गुरु जी ने बहुत साधना किया, बहुत हमने किया, 5-5, 6-7, 10 साल किया, 21 साल में ये कहना मुझे पसंद नहीं आता। मैं आपके सामने बैठा हूँ उन्हीं साधनाओं के बल पर आज आश्रम चला रहा हूँ, मेरा कोई बाप गुरु नहीं है ना मेरा कोई ससुर गुरु नहीं है, मैं केवल प्रभु जी सतगुरुदेव जी के गुरु बन गया, उनका शिष्य साधक या उनका सेवक बनकर आज चला रहा हूँ। आज उनकी शाखा में कभी नहीं कहा कि मेरी साधना करो,
अपने आप के लिए खुशी की इच्छा करो।